विद्यालयों के शिक्षकों के मतदान फार्म 19 जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न करने के विरोध में जिला विद्यालय के निरीक्षक कार्यालय फारुखाबाद पर माध्यमिक शिक्षा महासभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी रामवीर सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रूबीना कुरैशी आमरण अनशन पर बैठी हुई है, जिनके समर्थन में जिला समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी जाकर आमरण अनशन में भाग लिया है। चौधरी रामवीर सिंह यादव, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक विद्यालय शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश। मान्यवर, हम लोगों ने 4 तारीख को नोटिस दिया 4 बारे जिला विद्यालय निरीक्षक को कि अगर 11 तारीख तक आपने हमारे विधान परिषद के मतदाता फार्मों को प्रति हस्ताक्षरित नहीं किया तो हम 12 तारीख से क्रम अनशन पर बैठेंगे और आमरण अनशन करेंगे। 12 तारीख को मैं यहाँ आकर क्रमिक अनशन पर बैठ गया। अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन पर तब से अनवरत क्रमिक अनशन पर चल रहे थे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कई दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने हमसे बात नहीं की, तो मजबूर होकर आज हमने आमरण अनशन की घोषणा कर दी और अब हम 2 लोग आमरण अनशन पर हैं और बाकी लोग यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। विषय ये है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 5/3/2008 एवं भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए स्पष्ट निर्देश हैं कि वो 4 चीज़ें उन्हें देखनी है। नंबर 1, मतदाता उस शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में का सामान्य निवासी हो, वो जिस विद्यालय में पढ़ाता है वो हाई स्कूल स्तर से नीचे की न हो और उसने 6 वर्षों में से 5 वर्ष पढ़ाया 6 वर्षों में से कम से कम 3 वर्ष पढ़ाया हो और जो है उस वो जिस विद्यालय में पढ़ाता है उस विद्यालय का नाम वो विद्यालय विनिर्दिष्ट सूची में हो। ये सरकार की विनिर्दिष्ट सूची है। हम इन 4 चीज़ों को पूरा करते हैं और उसमें भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन में स्पष्ट लिखा है कि जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए ये कागजात के रूप में प्रधानाचार्य एवं संस्था के प्रमुख द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र जो पाठ 2 पर दिया जाता है वही पर्याप्त दस्तावेजी अभिलेख होगा। हम सारी शर्तें पूरी करते हैं फिर भी हमको वोट नहीं बनाया जा रहा है। अगर ये शीघ्र ही निर्णय लिया तो आमरण अनशन, उसके बाद इस कार्यालय में ताला डाल देंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, जीना दूभर कर देंगे, लेकिन हम प्राण त्याग देंगे, लेकिन हर हाल में जो है अपने बिटवीन शिक्षकों के अरे शिक्षकों को मतदाता बनाकर ही रहेंगे। अगर फिर भी नहीं माना तो पूरे प्रदेश में